सिद्धल का नया गाना धाकड़ रिलीज होने के पहले ही दिन लोगों पर जादू सा असर करने लगा है। ये गाना इसे अब तक करीब 15 लाख लोग YouTube पर देख चुके हैं। क्या है इस गाने की खासियत, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं धाकड़ छोड़ी का ये अंदाज। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो। बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। दंगल का ये गाना पहलवान महावीर फोगट की बड़ी बेटी गीता फोगट के बचपन की कहानी दिखाता है। नन्ही सी पहलवान जब अखाड़े में उतरती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस गाने में पहलवान गीता फोगट के संघर्ष को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। छोटी उम्र की इस पहलवान के तेवर देख आप भी यही कहेंगे, ये तो धाकड़ है। छोरी है लेकिन छोरी समझ कर लड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये छोरी धाकड़ है। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। जरा तेवर तो देखिए, ये रिंग में घूर कर लड़कों को देखती है और जब मुकाबला होता है तो रिंग के बाहर ले जाकर पटकती है। लगा के फोन बता दे सबको। अब जब ऐसी धाकड़ छोरी छोरों को उठा उठा कर पटके तो फिर बाबू करती ना तो चौड़ा होना ही था। आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल का नया गाना धाकड़ रिलीज हो गया है। होते ही इस गाने ने तहलका मचा दिया। कुछ ही घंटों में इस वीडियो को देखने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया। आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। अभी तक दर्शकों ने हानिकारक बापू को देखा था। बापू ने अपनी नाजुक बेटियों से बड़ी मेहनत करवाई, लेकिन उस मेहनत का नतीजा इस गाने में दिख रहा है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी। बापू यानी पहलवान महावीर फोगट ने कैसे अपनी बेटियों को पहलवान बनाया और कैसे उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी, वो इस गाने में बखूबी दिख रहा है। इस गाने को गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और गाया है रफ्तार ने। रफ्तार को आपने अब तक पंजाबी रैप गाते हुए देखा और सुना होगा।
लेकिन इस बार उन्होंने धाकड़ छुरी को अपनी आवाज दी और एक बार फिर गानों के टॉप चार्ट में अपनी जगह बना ली। काली काली ऐन का पकड़े काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा बच्चे बच्चे बिच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट मुंडा जट्टा दा जवाई तू बड़ा ले करी दा तेरे उत्ते मारी दा तेनू प्यार करी दा तेरे उत्ते मारी दा तेनू प्यार करी दा। अब जरा गाने के बोल पर गौर कीजिए। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, यानी एक बार फिर गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गाने में अपनी कलम की जादूगरी दिखाई है। उन्होंने पहलवान महावीर फोगट की बेटियों की तुलना तूफान से की है, एक ऐसा तूफान जो अच्छे अच्छों के पुर्जे फिट कर दे। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव सबड़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। आमिर खान की फिल्म दंगल 23 दिसंबर को रिलीज होगी। उससे पहले धीरे धीरे फिल्म के गाने लोगों की जुबान और जहन पर छाते जा रहे हैं। दंगल मशहूर पहलवान महावीर फोगट की अपनी बेटियों को पहलवान बनाने की सच्ची कहानी पर आधारित है। ये महावीर फोगट की मेहनत का नतीजा ही है कि उनकी दोनों बेटियां गीता और बबिता देश के नाम कई मेडल कर चुकी हैं। पापा जो ट्रेनिंग करवाते थे वो लड़कों के साथ हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, और अगर वो उनसे हम किसी दौड़ में पीछे रह जाते हैं या जोर करते टाइम हम उनसे कमजोर पड़ जाते हैं तो पापा मारते भी थे। मारते थे बिल्कुल। पापा की मेहनत इतनी ज्यादा होती थी कि वो ऐसा होता कि लड़कों के बराबर ही प्रैक्टिस जितनी लड़कों को इतनी थी उतनी हमारी होती थी। बोलते थे कि तुम क्या लड़कों से खाते कम हो जो इनसे कम मेहनत करोगे, इतना इनसे ज्यादा ही तो कुछ ना कुछ खाते हो। कुश्ती के रिंग में गीता और बबिता का धाकड़ रूप हमेशा दिखता है, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई थी वो आपको इस फिल्म में दिखेगी। इमोशनल अत्याचार, कैरेक्टर ढीला और हानिकारक बापू, शब्दों का ऐसा बेजोड़ मेल एक ही शख्स की कलम से तैयार हुआ है और उस शख्स का नाम है अमिताभ भट्टाचार्य। आज अमिताभ अपने अलग स्टाइल के गानों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित गीतकार बन गए हैं। हानिकारक बापू। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। छोरी है समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कर पेच पलट कर देगी, चित कर और अब धाकड़ छोरी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य की कलम से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो पहले हिंदी गानों में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। आज अमिताभ की पहचान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे गीतकार के तौर पर है जो नए नए प्रयोग करता है और हर प्रयोग लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप सना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाए। अमिताभ भट्टाचार्य कलम के साथ साथ आवाज के भी जादूगर हैं। लफ्जों को सुर देना भी वो बखूबी जानते हैं। अमिताभ गायक बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन माया नगरी ने उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। लाता है अंधेरा हाँ, सूखी सियाही। अमिताभ की कलम ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं। अमिताभ को पहचान मिली 2009 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म देवती से। एक दो तीन चार छह, ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी, अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ, हाय सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए। हिंदी गाने में अमिताभ अंग्रेजी शब्द का तड़का लगा देते हैं। बेमेल शब्दों को मिलाकर गाने लिख देने की अमिताभ में बेजोड़ कला है।
गाना बना तो था गमगीन माहौल के लिए, लेकिन इस गाने ने डीजे और बारात में लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। तेरा इमोशनल अत्याचार। गाने के बोल लोगों की जुबान पर चढ़ गए और इमोशनल अत्याचार एक आम बोलचाल का शब्द बन गया। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। लुटेरा फिल्म के गाने संजीदगी और सादगी से भरे थे। गानों के अल्फाजों का ताजापन और गहराई आपकी आत्मा तक को छू जाता है। फिल्म का ये गाना बेहद खास है क्योंकि इसे न सिर्फ अमिताभ ने लिखा है बल्कि अपनी आवाज भी दी। अमिताभ अपने गाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे कि फिल्म टू स्टेट्स के इस गाने में। इसे न सिर्फ अमिताभ ने बोल दिए बल्कि आवाज भी दी है। सलमान खान की फिल्म रेडी का डांस नंबर कैरेक्टर ढीला भी अमिताभ ने ही लिखा है। गाने के बोल गजब के हैं, यानी थीट आइटम नंबर। फिल्म नो वन किल्ड जेसिका का गाना दिल्ली झकझोर देता है। दिल्ली की बेदिली को कागज पर बेहतरीन शब्दों में उकेरा है। ऐसा नहीं है कि अमिताभ अलग तरह के गानों के लिए ही जाने जाते हैं। फिल्म एजेंट विनोद के गाने राबता में उन्होंने दिलों के तार भी छुए हैं। अपने इतने छोटे करियर में अमिताभ ने हर तरह के गाने लिखे हैं। वो किसी एक लीग से बंध कर नहीं रहे। हालिया रिलीज ए दिल है मुश्किल के गाने भी अमिताभ ने ही लिखे हैं। किसी भी फिल्म के हिट होने में गानों का बहुत अहम रोल होता है और अमिताभ इस फॉर्मूले को बखूबी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं पहलवान महावीर फोगट की धाकड़ छोरी की, जो अखाड़े में लड़कों पर भारी पड़ रही है, लेकिन जब उसके बापू ने कसरत करानी शुरू की थी तो वो उन्हें जमकर कोसती थी। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को हानिकारक बापू का नाम दे दिया था। तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। बापू सच में बहुत ही हानिकारक है। भाई, इस बापू के काम ही कुछ ऐसे हैं। अब तक तो सिगरेट तंबाकू को ही सेहत के लिए हानिकारक बताया जाता था, लेकिन यहाँ तो अपना बापू ही हानिकारक निकल गया। बापू सेहत के लिए, रुकना नहीं है। बापू सेहत के लिए, तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए। अपनी मासूम बेटियों से ये बापू वो सब करवा रहा है कि तंग आकर उन्होंने कह ही डाला कि बापू तू तो हानिकारक है।